हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है GMM फॉडलर। ओके, और यहां पर हम देखें तो आज लगभग 6% ये शेयर गिरता हुआ हमें नजर आता हुआ दिखाई दिया। तो क्या हमने इसे अभी आपको बताया? तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, कब ये शेयर आपको बताया था और कितने रिटर्न मिल चुके हैं, और उसके बाद अगेन इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर रुका नहीं है, 5% की गिरावट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है। ओके, और एक आध स्टॉक नहीं चले उसके कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, बट मोस्टली यहाँ पर स्टॉक चलते हुए नजर आते हैं। तो नितेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन हिट नहीं करते, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो आ चुकी है ब्रेकआउट स्टॉक, जहां पर अच्छे खासे यहां पर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे, एज वेल एज हम बहुत जल्दी यहां पर अब 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ओके, जहां पर हम आपको बेसिक टू फंडामेंटल रिसर्च करना, किस तरीके से रिसर्च करते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स पिक करते हैं, किस तरीके से टेक्निकल चेक करते हैं, बेसिक टू एडवांस, और प्लस में आपको 6 मंथ का हैंड होल्डिंग दिया जाएगा, जिसमें हम 6 महीने आपके साथ रहेंगे। ओके, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर बताएंगे आपने क्या गलती करी, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो जाइए और बिल्कुल ही इतनी कम फीस में कोई यहाँ पर कोई नहीं पढ़ाता हुआ नजर आएगा, हजारों लाखों रुपए लेते हैं, मैं आपको बड़ी सस्ते में यहाँ पर आपको सिखाता हुआ नजर आऊंगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। ओके, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर सेंड मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो GMM फॉडलर की अगर हम बात करें तो देखिए, 1 महीने पहले यहाँ पर क्या किया गई थी, वीडियो बनाई गई थी। ओके, जब इसके रिजल्ट आए थे तब वीडियो बनाई गई थी और आपको बताया गया था, देखिए 1 महीने पहले GMM फॉडलर Q1 रिजल्ट इंपैक्ट क्या होता हुआ नजर आएगा, और बॉस हैज कम बैक इन द रिंग अगेन, शेयर अप 20%, और टारगेट क्या दिए थे 2305 रुपए के। तो यहाँ पर देखिए, जिस दिन ये शेयर 20% भागा था, ओके, उस दिन ही वीडियो बना दी थी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। तो अगर हम यहाँ से भी लेके चलते हैं, ओके, यहाँ से कि यहाँ पर ये शेयर था और यहाँ आपको बताया गया था कितने परसेंट के रिटर्न मिलेंगे, 2300 का टारगेट मैंने बताया था, तो लगभग 30 से 31% के रिटर्न आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल चुके हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टडी की स्टॉक्स को टाइम पे पकड़ लेना, ताकि वो और ना भागे, उसे यहाँ पर जकड़ के रखना। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर भी गया था, फिर अपॉर्चुनिटी थी, फिर ऊपर गया। अब चार्ट में क्या हो रहा है, जो हमारे टारगेट हमने दिए थे वो, एज वेल एज यहाँ पर और भी ऊपर क्या जाएगा शेयर, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो GMM फॉडलर से रिलेटेड बातें करें तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने में ये कंपनी नंबर वन है। ओके, बीच में कुछ यहाँ पर फ्रॉड से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज आई थी, यहाँ पर इनसाइडर न्यूज से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज आई थी, जिसकी वजह से ये शेयर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग ये शेयर उस टाइम 6000 के आसपास गया था, 6000 6500, और उसके बाद गिरता हुआ नजर आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं OFS आता हुआ नजर आया, पहले ही यहाँ पर बुकिंग लोगों ने शॉर्ट लगा दिया था, मतलब यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी और शेयर गिरता हुआ नजर आया, और एक लंबा कंसोलिडेशन फेज इसने यहाँ पर झेला है। अगर बात करें 30 सितंबर से लगभग 2 साल हो गए इस शेयर को, अब जाके ये यहाँ पर भागना शुरू किया है। ओके, तो क्या शेयर बेकार हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं, शेयर बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। ओके, जो न्यूज थी वो यहाँ पर चली गई है। ओके, जो हवा थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है, और जो होना था वो यहाँ पर हो चुका है। तो कंपनी की बात करें, कंपनी एकदम फर्स्ट क्लास कंपनी है, नंबर वन पोजीशन रखती है इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो केमिकल्स रखने के लिए जो इक्विपमेंट, जो ग्लास के कंटेनर बनाए जाते हैं, वो ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और जब ये शेयर गिरा था तो इसका फायदा एक पर्टिकुलर कंपनी का हुआ था, जिसे HLE ग्लास कोट के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे ओवर 50% मार्केट शेयर इन इंडिया इस पर्टिकुलर कंपनी ने ले रखा है। ओके, GV वेंचर है फॉडलर ग्रुप के साथ, जाके एक बार इनकी वेबसाइट को यहाँ पर विजिट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर सब चीज समझ में आती हुई नजर आएगी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी क्या है, कंपनी किस तरीके से यहाँ पर मल्टीबैगर साबित हुई है, जो कि हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या शेयर भागा है,
लगभग करोड़पति लोगों को यहाँ पर बना के इसने छोड़ दिया है। अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पर करोड़पति बन के ही निकला होगा और कहीं नहीं। तो यहाँ पर इसी तरीके के स्टॉक्स को हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है, किस तरीके से कंपनी काम करती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिसे केमिकल की नॉलेज है, जिन्हें एक इस तरीके कंटेनर की नॉलेज है, वो जाके यहाँ पर और देख सकता है कि ये सारे के सारे कंटेनर ये ही पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है और अराउंड द वर्ल्ड काम करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, स्मॉल कैप कंपनी कब मिड कैप में चेंज हो जाएगी, कब इसके पीछे जीरो लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना प्लस वन की नीति में है, एज वेल एज सारे के सारे ऑर्डर्स इंडिया को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, इंडिया की जीडीपी बढ़ने वाली है, तो ये कंपनीज भी साथ साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। पी 67 का, इंडस्ट्री का पी 22 का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेट की बात करें 121% का डेट है, ओके कोई प्लेजिंग नहीं है, 14% के आसपास की आरओसी है, 22% का यहाँ पर पिछले 5 साल में यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और लगभग 5 साल में सेल्स ग्रोथ 48% की यहाँ पर होती हुई नजर आई है। और शेयर यहाँ पर हाई की बात करें तो यहाँ पर कल ही लगाया था हाई, और बाकी अगर हम बात करें कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 2300 रुपये के आसपास है, जो कि यहाँ पर स्प्लिट अभी कंपनी ने दिया था उसकी वजह से यहाँ पर हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर स्प्लिट दिया था, सॉरी बोनस दिया था, यहाँ पर देख लीजिए 2:1 का, एज वेल एज यहाँ पर देखिए स्प्लिट किस तरीके से यहाँ पर 6 में स्प्लिट दिया, 22 में बोनस दिया। कंपनी डिविडेंड कुछ खास नहीं देती, बट इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, 9 रुपये का 3 रुपये का डिविडेंड चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कंपनी के बारे में आप चाहे तो यहाँ पर जान सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ जानी है तो यहाँ पर हम वीडियोज में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट, इवन इफ बीच में कुछ न्यूज आई थी स्टिल कंपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। कंपनी के मार्जिन की बात करें, कंपनी के मार्जिन यहाँ पर थोड़े से डल आए थे, फिर उसके बाद दोबारा मार्जिन अच्छे खासे आना शुरू हो गए हैं। कंपनी के ईयरली बेसिस पर मार्जिन काफी बेहतरीन है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा है। ईपीएस बढ़ गया है कंपनी का, ये सारे चीजें बताती है कि कंपनी थोड़े टाइम के लिए पीछे जरूर चली गई थी, बट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। इस चीज को आपको यहाँ पर क्या समझना होगा, ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस 195 करोड़ की सेल्स 2728 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है, 12 करोड़ का प्रॉफिट 155 करोड़ में तब्दील हो गया है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के 500 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें, कंपनी के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर बोरिंग ज्यादा है, बट ऐसी कंपनीज बोरिंग इसलिए लेती है कि अपनी बिजनेस को और ज्यादा बड़ा बना सके। वर्किंग प्रोग्रेस में 13 करोड़। कैश की बात करें, कंपनी के पास 328 करोड़ रुपए का कैश है, एज वेल एज बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी देख सकते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 54.95% के शेयर है, जो यहाँ पर इन्होंने जो न्यूज आई थी, जो यहाँ पर इन्होंने ओएफएस लाया था उसके बाद देखिए एज इट इज बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इन्होंने बेचते हुए नजर आए थे, तो यहाँ पर देखिए न्यूज के बाद शेयर नीचे आया, तो यहाँ पर एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई, ओके। एज वेल एज बात करें डीआईज ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है, ना के बराबर। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास दोबारा 27% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है, तो अच्छा खासा स्टॉक्स है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर चार्ट की बात करें, पहले हमने यहाँ पर आपको बताया था, उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप दिखाई दी, 31-32% के रिटर्न लगभग यहाँ पर बन चुके हैं, ओके। और यहाँ पर हम देखें तो अब क्या नजर आता है, अब नजर आता है यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए ये टारगेट अचीव होंगे, ओके। यहाँ पर लगभग अगर मैं यहाँ से भी इसे काउंट करता हूँ तो आपको पता चलेगी ये टारगेट कितने होते हैं, तो ये टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं 18% के, तो 18% के रिटर्न तो ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। एज वेल एज अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाएंगे ना, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके। इसे चाहे आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह लीजिए, इसे चाहे आप यहाँ पर क्या कह लीजिए, इसे यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न कह लीजिए, जो आपको मन हो वो यहाँ पर कह लीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या रिटर्न बनते हुए नजर आ गए, ये शोल्डर बनाया, इसके बाद यहाँ पर देखिए हेड बनाया, और जो ये चीजें नीचे आई है ना, ये चीजें यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होगी और उसके बाद चीजें फिर भागेगी, और इसका जो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनेगा वो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न और बेहतरीन बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मिनट दीजिए मुझे, फिर यहाँ पर देखिए शेयर लगभग अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, और इसके टारगेट थोड़ा सा अगर आप इसे होल्ड करेंगे शेयर को, तो यहाँ पर टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, ये 3133 रुपए के यहाँ पर टारगेट इस पर्टिकुलर शेयर में अगेन आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। टारगेट मैंने बात कर ली, वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब क्या होगा, थोड़े से वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नजर आता है, यहाँ पर नजर आता है सपोर्ट एज वेल एज यहाँ पर दो सपोर्ट नजर आते हैं। एक तो कल अगर मार्केट गिरा तो थोड़ा सा यहाँ पर 1905 या 1831 दो सपोर्ट यहाँ पर नजर आते हैं, यहाँ तक चीजें नीचे आएंगी। ओके, एक्युमुलेशन जोन होगा, यहाँ पर दोबारा एक्युमुलेट किए जाएंगे शेयर, जैसे यहाँ पर आया था नीचे एक्युमुलेट किए जा रहे थे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, फिर यहाँ पर चीटें भागेगी, इसे निकालेगी, फिर यहाँ पर इधर तक टारगेट अचीव होंगे, इधर टारगेट अचीव होने का थोड़ा सा फिर नीचे आएगा और फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा। अब क्या बन रहा है, हायर हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये इसने बेस बनाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पर हाई लगाया है, तो इसी तरीके से चीजें चलती हुई नजर आएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। और जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करिएगा, हमारा सपोर्ट करिएगा। हमारे बैच में एनरोल करने के लिए नीचे यहाँ पर नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस आपको सिखा सके। ऐसा इतनी ब्रीफ चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, ये सारे पैटर्न का नाम क्या होता है, वो सब चीज हम यहाँ पर बताते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।